सबसे पहले मैं बता दूं पारा मेडिकल के जितने भी छात्र फ्रेंड्स, हिंदी का जो मैं आज को प्रश्न बताने वाला हूं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स 100% नहीं बल्कि 110%, कितना परसेंट फ्रेंड्स, 110% आप मानकर चलिए कि जो मैं आपको वीडियो दे दूंगा फ्रेंड, जो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, सारा जो प्रश्न है आपका एग्जाम में यहीं से आएगा। जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूं फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम टू सेम फ्रेंड्स, हूबहू क्वेश्चन आपको जो मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, यही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साइंस का भी वीडियो आपको मिल रहा है टाइम टू टाइम, हर रोज आपको साइंस का वीडियो मिलता है, उसको भी जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। साइंस में भी आपका मैं 100% गारंटी लेकर रखा हूं कि वही प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द चुनना है फ्रेंड्स, विलोम शब्द प्रहार का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम मीन्स होता क्या उल्टा, तो विलोम प्रहार का उल्टा क्या होगा, तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, प्रहार का उल्टा होता है रक्षा करना। ठीक है, प्रहार का उल्टा क्या होता है, रक्षा करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित कर्ण को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, राम शक्ति के उपासक थे। ठीक है, यहाँ पे जो शक्ति के उपासक है उसके लिए जो है सही, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा होगा, तो दूसरा का जी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्त। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरे, ये बहुत सारे मुहावरे फ्रेंड्स, लेकिन जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगा जिसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और भी सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना कि कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा बताइए, सावधान कितना सुंदर दृश्य है, क्या ये ऑप्शन ए होगा, नहीं कितना सुंदर दृश्य है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो तीसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द को आपको चयन करना है, क्वेश्चन है कि भूखे को खाने के लिए डॉट डॉट दो, तो भूखे को खाने के लिए क्या देना चाहिए, तो आप सभी को पता है चौथा का बी हो जाएगा, भूखे को भोजन देना चाहिए। ये तो फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी को आंसर पता होना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी तरह का फ्रेंड्स हूबहु क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसमें सहन शक्ति हो उनके लिए क्या होगा, तो पांच का जी बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स ये चैनल उन छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, उन छात्रों के लिए जो थोड़ा पढ़ाई में वीक होते हैं, वीक छात्रों के लिए कि फ्रेंड्स मेरा जो चैनल है उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ वीवीआई प्रश्न को बताते हैं और कम प्रश्न होता है, आप उन प्रश्नों को पढ़िए और सीधा एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सदा रोता रहता है उनके चेहरे पर क्या होती है, जो हमेशा रोते रहता है उनके चेहरे पर क्या होती है जी, तो जो सदा रोएगा उसके चेहरे पर उदासी तो रहेगा, हंसी नहीं रहेगा, खुशी भी नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करना, अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, तो अपमान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अपमान का पर्यायवाची शब्द तिरस्कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संन्यास का विलोम शब्द चुनना है, विलोम मीन्स उल्टा, तो संन्यास आठवां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृहस्थ। आगे चलते हैं। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा, उग्र का विलोम शब्द क्या होगा, काफी शानदार क्वेश्चन है, तो नौ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत। उग्र का क्या होता है, शांत होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है, तो इनमें से फ्रेंड्स कौन सा भाग जो है त्रुटि है, तो सही जवाब क्या होगा, तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इतने महंगा जो है, यहाँ पे इतने महंगा ये वाला पार्ट में इरर है, इनमें थोड़ा गलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है जिसमें कोई त्रुटि है, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है, तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा पार्ट जो है गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है, ये गलत पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वाक्यांश शब्द के लिए शब्द चुनिए जिसका वर्णन ना हो सके, तो जिसका वर्णन ना हो सके 12 का सही जवाब हो जाएगा अवर्णनीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प चयन करें, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना जो है तिल का ताड़ बनाना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए वह शब्द भाग का ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है कोई त्रुटि है वह भाग जिसको ज्ञात करना है, क्वेश्चन है कि विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा होती है गलत है। ठीक है, बड़ी होती है होना चाहिए वहां पे। अगला क्वेश्चन है
कि गुंडों के हाथों में लाठियां देकर उसके डॉट डॉट फूल गए, तो गुंडे के हाथों में लाठियां देकर उसके क्या फूल जाएंगे फ्रेंड्स, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा हाथ पर फूल गए। ठीक है, तो आज हम लोग 15 तक ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला वीडियो जल्द मिल जाएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।